प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 14 कहता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं 25, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर 25 जो विषम संख्याएं हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की संख्याएं हैं 49 तक। तो यहाँ पर श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि सभी के बीच में अंतर समान है 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार 25 विषम संख्याएं, यानी कि एन का मान तो आ गया हमारा 25, क्योंकि हमें 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो एन संख्याओं को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो एन बराबर आ गया प्रश्न अनुसार 25, और श्रेणी बन गई इस प्रकार की 1, 3, 5, 7, 9, -49। तो यहाँ पर इस प्रकार की श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी में देखेंगे तो इस श्रेणी में प्रथम पद है, वो प्रथम पद है 1, तो यहाँ पर प्रथम पद आ गया 1, यानी कि ए बराबर 1 आ गया, और अंतिम पद है 49, तो एल बराबर आ गया 49। अंतिम पद कहलाता है एल और प्रथम पद कहलाता है ए, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एन तो हम पता ही चल गया है कि जो 50 संख्याएं हैं उनमें 25 विषम होती हैं, 25 सम, तो यहाँ पर विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना है, तो एन का मान आ गया 25। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि, तो यहाँ पर अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को योग का फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा, एस एन बराबर, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। तो अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हमें मान रख देना है सभी। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, एस एन इस तरफ ज्यों का त्यों रहेगा, एन का मान लिख देते हैं यहाँ पर, तो 25 एन का मान लिख दिया और बटे में 2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर अंदर लिख देते हैं मान, तो ए का मान है 1, प्लस का चिन्ह लगाया, एल का मान है 49, तो 49 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 25/2 है उसे हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं इनटू में, अब यहाँ पर 49 और 1 हो जाएंगे 50, तो यहाँ पर 2 का भाग दे देते हैं 50 में, तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 का गुणा 25 में कर देते हैं, पच्चीस गुणे 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 625। तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है 625, तो यही हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।